दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में आपका हमारी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज स्मार्टफोन लेना किसको पसंद नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन कौन सा लेना, उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, कौन से फीचर्स बेटर है और कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, ये जानना आज बहुत ही मुश्किल है। तो आइए दोस्तों आपकी जो ये मुश्किलें है उसको मैं आसान कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro की कंपटीशन। उसमें से कौन सा फोन बेस्ट है वो आपको डिसाइड करना है। दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज अनिल लहरी एंड यू आर वॉचिंग थाउनेस बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले सुना कि मैं Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro के कंपटीशन लेके आया हूँ, यानी कि दोनों में क्या क्या फीचर्स है और दोनों में से बेस्ट और बढ़िया फोन कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों दोनों की प्राइस की बात करें तो Realme 3 Pro की प्राइस 13,999 रुपए है, जबकि Vivo Z1 Pro की प्राइस सिर्फ 1,000 उससे ज्यादा यानी कि 14,990 रुपए है। दोस्तों ये 1,000 प्राइस ज्यादा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स Realme के कंपटीशन में Vivo के ज्यादा नजर आएंगे। दोस्तों अगर इसकी बिल्डअप की बात करें तो Realme के बिल्ड की अगर बात करें तो उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 से बिल्डअप उसकी डिजाइन है, और Vivo Z1 की बात करें दोस्तों तो उसमें गोरिल्ला ग्लास ही सिर्फ आपको बिल्डअप देती है। बिल्डअप की कॉम्पिटिशन में Realme 3 Pro जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है। आगे हम डिजाइन की बात करें दोस्तों तो Vivo का फोन जो है वो डिजाइन के मामले में बहुत ही बढ़िया आता है। वो तो आपने सभी ने देखा ही होगा कि उसकी पीछे की कवर बॉडी और आगे की कवर बॉडी एकदम ही बढ़िया आती है। तो पीछे की कवर बॉडी जो है वो प्लास्टिक से एकदम बहुत ही बढ़िया है, उसका बिल्डअप भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आगे के डिस्प्ले की बात करें तो Realme 3 Pro में वो नॉच डिस्प्ले है, उसके कॉम्पिटिशन में जो Vivo Z1 Pro है उसमें इन डिस्प्ले आती है। तो दोस्तों इन डिस्प्ले जो है वो भी अपडेट वर्जन है, और ये जो Realme 3 Pro है उसकी नॉच डिस्प्ले है जो कि थोड़ा आउटडेट वर्जन है। डिस्प्ले के मामले में ये जो Vivo Z1 Pro है वो एकदम बढ़िया है। दोस्तों अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में Realme 3 Pro में 710 का QS प्रोसेसर है, जबकि Vivo Z1 में 712 का प्रोसेसर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि Realme 3 Pro यानी कि इसकी भागने की स्पीड जो है वो 2.2 GHz की है, और Vivo Z1 की भागने की स्पीड जो है वो 2.3 GHz है, यानी कि ये प्रोसेसर के मामले में भी Vivo Z1 है वो एकदम बढ़िया है। दोस्तों फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरे की बात करें तो Realme 3 Pro जो है उसमें 25 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और उसके कॉम्पिटिशन में Vivo Z1 Pro है उसमें 32 MP का कैमरा दिया गया है। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि Vivo Z1 जो है वो कैमरा में एकदम ही बढ़िया है, उसका कैमरा एकदम ही बेस्ट आता है। सेल्फी कैमरा के कॉम्पिटिशन में भी ये Vivo Z1 जो है वो एकदम ही बढ़िया फोन है। दोस्तों अगर रियल कैमरा की बात करें दोस्तों तो Realme 3 Pro में रियल कैमरा जो है वो दो कैमरा उसमें दिए गए हैं, एक 16 MP का और एक 5 MP का, और उसकी कॉम्पिटिशन में Vivo Z1 में जो है उसमें 3 कैमरे दिए गए हैं। दोस्तों एक 16 MP का है, एक 8 MP का है और एक 2 MP का है। तो दोस्तों ये 3 कैमरे में आप एक बहुत ही बढ़िया सी एक तस्वीर अपनी खींच सकते हैं। तो रियल कैमरे के बाबत में भी ये Vivo Z1 जो प्रो है वो एकदम ही बढ़िया है। दोस्तों अब बैटरी की बात करें तो बैटरी कंजप्शन कौन सा और किसका ज्यादा है वो मैं आपको बता दूं कि Realme 3 Pro जो है उसमें 4050 mAh की बैटरी दी जाती है, जबकि उसकी कंपटीशन में Vivo Z1 में 5000 mAh की बैटरी दी जाती है। दोस्तों इसमें चार्जर की बात करें तो Realme 3 Pro में 20 वोल्ट का चार्जर दिया जाता है, जबकि Vivo Z1 में 18 वोल्ट का चार्जर दिया जाता है। दोस्तों इसमें बैटरी की कंपटीशन में भी Vivo Z1 जो है वो एकदम बढ़िया फोन आपके लिए रहेगा। और दोस्तों इसमें कॉमन पार्ट के बारे में बता दूं तो Vivo Z1 और Realme 3 Pro जो है उसमें 2 सिम कार्ड का स्लॉट दिया जाता है, आपको उसमें SD कार्ड का भी स्लॉट दिया जाता है, और दोनों फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की बाबत में Realme 3 Pro जो है वो 6.3 इंच की Gorilla Glass 5 डिस्प्ले देती है, जबकि Vivo Z1 Pro जो है उसमें 6.5 इंच की Gorilla Glass डिस्प्ले दिए जाते हैं। दोस्तों अगर रैम और इंटरनल मेमोरी की बात करें उसमें दोनों में ही सेम है, 3 टाइप के फोन उसने निकाले हैं, एक में 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी, दूसरा जो है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, और तीसरा जो है वो 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी। तो दोस्तों ये जो रैम और रोम की जो कॉम्पिटिशन है वो दोनों में ही सेम है। ये दोस्तों इसके सारे फीचर जो है यही थे। तो आपको इसमें से कौन से फीचर सबसे ज्यादा लगे, कौन सा फोन सबसे बढ़िया है वो आपको डिसाइड करना है। आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फोन लेना है या फिर आपको कौन सा फोन पसंद है। तो दोस्तों ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो या फिर अगर ये वीडियो में से कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अगर आपको आगे भी कुछ नया सीखना है, आगे भी कुछ नया जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।